दिल्ली पुलिस की टीम आज सुबह से न्यूज क्लिक से जुड़े कई दफ्तरों पर और कई पत्रकारों पर आज सुबह से दिल्ली पुलिस की छापेमारी हो रही है। दिल्ली पुलिस की टीम सुबह सुबह ही पहुंची है। कई पत्रकार शामिल हैं जिनमें कि बड़े बड़े नाम हैं। क्या कहना है पुलिस रेड से? मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई ठीक गांधी जयंती के पश्चात कोई नहीं हो सकती थी। क्यों कह रहे हैं आप दिल्ली पुलिस? गृह मंत्री के अंदर है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता हिलता है? जो लोग आपसे सवाल पूछे, जो आपकी भजन मंडली में शामिल होने से इनकार करते हैं, आप उनके साथ, ये आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। एक फासिस्ट स्टेट की जितनी उसके अवयव होते हैं सब आप में विद्यमान है। क्या नजीर पेश कर रहे हैं आप? अगर मैं आपातकाल के उस छोटे से दौर को छोड़ दूं, आज तक आजाद हिंदुस्तान में किसी भी सरकार ने अपनी आलोचना करने वालों के प्रति इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण वेंडेटा की कार्रवाई नहीं की है। कौन कौन नाम है, कितना लंबा उनका करियर है, किस तरह से उन्होंने एक चिंतक के रूप में, ना सिर्फ पत्रकार के रूप में, उर्मिले जी हों, सोहेल हों, अभिसार हों, प्रवीर पुरकाश हों, भाषा हों, कितने कितने नाम है, अनिंजो हों, क्या है आपको गुरेज, क्या है? ये कोर्निस नहीं कर रहे, आपके सामने जी हुजूर जो हुजूर नहीं कर रहे। ये नहीं कहते हैं कि राजा तेरे सुबह की जाए, राजा तेरे शाम की जाए, क्योंकि उनको प्रजा से मतलब है, लोकतंत्र में लोक से मतलब है और आपको तंत्र से मतलब है। लेकिन यकीन मानिए, मैं आज की ये कार्रवाई इतिहास में दर्ज होगी और प्रतिकार सड़कों पर होगा। और हम जान रहे हैं एक और बात कि कल जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है बिहार से, आपकी चूल्हे हिली हुई है, जमीन खिसक रही है। आज आपने ये कार्रवाई की, थोड़ी देर हेडलाइन मैनेजमेंट भी हो, ये भारी पड़ेगा। लेकिन सर, न्यूज क्लिक कुछ महीने पहले भी चर्चा में आया था, संसद तक में न्यूज क्लिक का मुद्दा उठा था, बात हुई थी, और उस दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह आरोप लगाया था कि चीन से फंडिंग हो रही है इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये बात सामने आई थी, उन्होंने आरोप लगाया था और उसी से जुड़े मामले को लेकर के। नहीं, ये सब ढकोसलेबाजी है। कौन व्यक्ति कह रहे हैं जिन्होंने कहा था खुलेआम मंच से गोली मारो फलाने के, इनमें से कितने लोगों ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है जो जिन पत्रकारों पर आप ये कार्रवाई कर रहे हैं? ये डराने की पद्धति है आपकी, क्योंकि आप डरे हुए हैं और डरा हुआ तानाशाह डर ही पैदा करता है लोगों के बीच में, उसके पास कुछ और नहीं है। मैं यकीन के साथ कहता हूं ये कदम सरकार पे भारी पड़ेगा। देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं। और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है।